बट एक्चुअली अभी जब हम लोग कैफे में बैठे थे तो एक और वार्निंग इशू हुई, और वो वार्निंग ये थी कि सब घर पे ही रहो। Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. तुम्हें ये पता लग गया होगा ये टी शर्ट देख के कि ये टी शर्ट मेरे को कितनी पसंद है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मैं ये पहन लेता हूँ, बिकॉज आई लव दिस टी शर्ट. इट्स सो कम्फर्टेबल, मतलब ये ऐसे लूज टाइप है और बढ़िया दिखने में भी अच्छी लगती है. ये मैंने H&M से उठाई थी, वेरी गुड डिसीजन. बट आज है फ्राइडे, अभी 12 बज चुके हैं दिन के, मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ एंड अभी घर से बाहर निकलेंगे. अच्छा, जब मैं सो रहा था, मतलब सो के जस्ट उठा ही था, तो मैंने देखा कि वार्निंग आई हुई थी, इमरजेंसी अलर्ट, कि अ फ्लैश फ्लड वार्निंग इज इन अफेक्ट फॉर दिस एरिया अंटिल 12:30 PM. दिस इज अ डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. डू नॉट अटेम्प्ट टू ट्रैवल अनलेस यू आर फ्लीइंग एन एरिया सब्जेक्ट टू फ्लडिंग और अंडर एन इवैक्यूएशन ऑर्डर. बट इतना आज हाल ऐसा है कि हर जगह पानी वानी भरा हुआ है न्यूयॉर्क में. देखते हैं, हम तो तब भी बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके देखेंगे क्या हाल है. बट तुम्हें क्या, तुम्हें तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस ब्लॉग को इत्मीनान से बैठ के इंजॉय करना है. क्या बकवास करता रहता हूँ यार मैं. ये देखो गाइस, मैं अपना ही ब्लॉग देख रहा था और ये इमरजेंसी अलर्ट जस्ट अभी अभी एक नया आया, कि जो पहले लिखा था कि 12:30 तक खतरा है, घर के अंदर रहिए, वो अब 2:30 बजे हो गया है. तो उसमें क्या, आप बाहर ना निकलिए अगर आप कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे या फिर आप कोई एरिया छोड़ के भाग नहीं रहे हैं. बाहर आया हूँ मैं, तुम सोचो कि इरेस्पॉन्सिबल है, नहीं, घर से दो तीन मिनट की वॉक पे ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉफ़ी तो पिएगा ना इंसान, एडिटिंग भी कम्प्लीट करनी है. बट ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को तो कल परसों से कम बारिश लग रही है. ये लोग बॉम्बे वॉम्बे पहुँच जाए तो इनकी तो हालत ख़राब हो जाए देख के, अगर इसमें इतना नेशनल अलर्ट हो गया तो. सो अभी अपना सारा काम वाम ख़त्म करके मैं व्लॉग एडिट मतलब कंप्लीट कर लिया, अपलोड पे लगाने की कोशिश करी, बट ये कैफ़े का जो वाईफाई था वो गायब हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर. एंड मैं मौसम को अच्छा बहुत हल्के में ले रहा हूँ, बट एक्चुअली अभी जब हम लोग कैफ़े में बैठे थे तो एक और वार्निंग इशू हुई, और वो वार्निंग ये थी कि सब घर पर ही रहो, 4 बजे तक भी वो वार्निंग चालू है, पहले 12:30 तक, फिर 2:30 बजे तक, अब 4 बजे तक वार्निंग वो चल रही है. और मैंने एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस देखी, न्यूयॉर्क में बहुत बुरा हाल है, सबवेज में फ्लड आ रखी है, मतलब ऐसा हो रखा है. A state of emergency. That's the declaration from the governor of New York as the state is inundated by constant rain. तो लिटरली वो सबको ये बोल रहे हैं कि घर पे बैठो. अच्छा, यहाँ पे आसपास अभी बारिश भी नहीं हो रही है, यहाँ पे सही है, बट जहाँ पे पानी भरा है वहाँ बहुत ज्यादा पानी भर चुका है. बट हम तो सेफ हैं तो इसलिए सब चंगा सी. अभी मेरा शाम को भी बाहर जाने का प्लान था, बट अब आई डोंट नो कि मैं बाहर निकल पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मौसम का जैसा हाल चल रहा है, यहाँ तो आसपास ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ओनली प्रॉब्लम है कि सबवेज में पानी भरा है या नहीं, इसका मेरे को कंफर्मेशन नहीं है अभी तक. आई ऑनेस्टली हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे, बिकॉज ये वेदर की वजह से सब कुछ बहुत उथल पुथल हो गया है. जो भी मेरे प्लान्स थे वो सब कैंसिल हो गए और मुझे नहीं पता कि अब मैं इस ब्लॉग में क्या डालूं. सी, ये प्रॉब्लम है और ये मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये पैटर्न, कि हर अल्टरनेट डे ये प्रॉब्लम अकर हो रही है, कि एक व्लॉग में तो इतना कुछ हो जाता है. जैसे अभी पिछला व्लॉग तुमने देखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मजे वजे भी सारे मार लिए, खाना पीना भी खा लिया, और उसके बाद बिल्डिंग के बाहर कोई स्ट्रेंजर भी घुस गया, सब मतलब सब उस एक व्लॉग के अंदर हो गया. और आज जो मैं एक्चुअली सोचा था कि अरे हाँ शाम को ये करूंगा वो करूंगा, वो सब कैंसिल होके अब हम घर पे बैठे हैं. अब क्या करें तुम ही बताओ. अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि मैं रेडी क्यों लग रहा हूँ, बिकॉज अभी इससे पहले मैं नहा कर आया, मेरा प्लान था बाहर जाने का, हमारी वीडियो कॉल हो गई, दोस्तों की डिसाइड कर लिया हाँ इसके घर पे मिल रहे हैं. प्रॉब्लम ये हुई कि फिर लगा कि यार बाहर ना बारिश का आज बहुत टंटा है, सबवेज का पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि वीडियोज इंटरनेट पर ही देखी हैं कि सबवे में पानी भरा हुआ है, हर जगह बहर है, अब रियलिटी अंदर जाके पता लगेगा, बट बारिश अभी भी चल रही है. तो अब इतनी सब मगनमारी करो, फिर पहुंचो, फिर रात को आओ और बारिश पूरी रात चलने वाली है. और बसेस का ये सीन है कि बसेस ना बहुत स्लो चलती है, और कैब अब इतनी तो कल तुमने देखा ही है, बारिश में भी मैं कैब अवॉइड करके ट्रेन से आया, तो इतना भी पैसा खर्चा नहीं करना. तो फिर मैंने बोला कि यार आज सब करें, ऐसे ही था कि कुछ करें या नहीं करें, क्योंकि फ्राइडे नाइट भी है ना, तो हैबिट रहती है कि फ्राइडे नाइट कुछ करते हैं. बट फिर लगा यार आज ना रहने ही देते हैं, और इसकी जगह हम कल मिल लेंगे, क्योंकि कल तक थोड़ा ये सबवे वब्बे का एटलीस्ट इशू सॉल्व हो जाना चाहिए, लेट्स होप.
प्रॉब्लम अब ये है कि मेरे ब्लॉग में मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। क्या करूं मैं, अब क्या दिखाऊं? मेरे पास, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा, पता है, सही में नहीं चल रहा आज। सम फ्राइडे नाइट टुडे। हाँ फाइनली धूप निकल गई गाइस, और ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क में जान आ गई है। कल रात को मैं सो गया था क्योंकि मेरे पास खड़ने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मैंने सोचा आज उठ के ही कल वाला व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज ये थोड़ी देर मैं शूट करूंगा, ये वाला व्लॉग करंटली जो चल रहा है ये स्टिल फ्राइडे का कंटिन्यूशन व्लॉग है, और उसके बाद फिर सैटरडे के लिए जो व्लॉग है वो भी स्टार्ट करूंगा। बट अभी मैं बाहर आ गया, घर के पास वाले कैफ़े में यूजुअली वीक डेज पे जाता हूँ, वीकेंड्स पे मैं यूनियन स्क्वायर के अराउंड जो भी कैफ़ेज़ हैं ज़्यादातर आजकल थिंक जा रहा हूँ। बट 1787 कॉफ़ी है, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मेरे ऐसे ना मार्क्ड हैं कैफ़ेज़ हर एरिया में, तो डेज के हिसाब से और मूड के हिसाब से मैं वहाँ पर जाता हूँ। एक बात तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तुमने नोटिस कर लिया होगा कि मेरे को कितने दिन हो गए रोज़ शूट करते हुए, एंड ये चीज़ मैंने ना लाइफ में पहले भी एक्सपीरियंस कर रखी है। जब मैं फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे, मतलब मेरा बूम हुआ था इंस्टाग्राम पे, वो कंसिस्टेंसी की वजह से ही हुआ था, और अभी भी मैं रोज़ कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ, तो मैं वो ग्रोथ देख रहा हूँ। हालांकि बहुत मैसिव नहीं है इन कम्पेयर टू द नंबर्स ऑन इंस्टाग्राम, बट आई नो कि यू नो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ग्रो ऐसे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो होते हुए मुझे दिख रहा है कि लोग रोज़ रोज़ आके वीडियोस देख रहे हैं, तो इससे यही बात पता लगती है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड आई ऑलवेज बी अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट। और दूसरी चीज़ मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होगा कि हमें अपॉर्चुनिटीज़, लोग बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है, नहीं वो सब ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती है, बट तुम्हें उसको बहुत बार क्रिएट करना पड़ता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम घर पे खाली बैठे हो, कोई काम ना हो, और फिर तुम्हारे गेट पे नॉक नॉक हो और तुम्हारे हाथ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, वो तुम कह सकते हो कि बहुत रेयरली होता होगा, बट अपॉर्चुनिटी बार बार क्रिएट करी जा सकती है, बट उसके लिए तुम्हें खुद के लिए वो क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है मान लो, तो तुम अपनी फिल्म खुद बनाओ, अगर तुम्हें बुक लिखनी है तो तुम्हें एक अपना ब्लॉग बनाओ और अपने लिखना चालू करो, तुम्हें क्रिएटर बनना है तो तुम ये मत सोचो कि अरे मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, तुम बस जो भी तुम्हारे पास आजकल बेसिक कैमरा वैमरा सबके पास होता है, एटलीस्ट फ़ोन में, अभी ये भी मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, मैं घर का पार्ट कैमरा से करता हूँ, बाहर का पार्ट आईफोन से शूट करता हूँ, कैमरा भी अब जाके मैंने लिया, बट आईफोन से भी वीडियोज़ बनाई जा सकती है। तो रादर देन फाइंडिंग बहाने, क्योंकि मैं भी बहुत बहुत टाइम बहुत बहाने मारता था, इस टाइम मैंने सोचा कि बहानाबाजी छोड़ते हैं और सीधा काम पे लगते हैं, और वो ही मैंने करा। तो द होल पॉइंट इज़ कि बहुत बार आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे अरे क्या पका रहे, ज्ञान बांट रहे हैं, बट आई नो कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे को, तो क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं डीएम्स वगैरह भी अपने पढ़ता हूँ, और फीडबैक ये दिया है बहुतों ने कि यू नो जो भी आप बातें बोलते हो वो हमें मोटिवेट करती है किसी ना किसी तरीके से, एंड आई कैन ऑल्सो रिलेट बिकॉज बींग एन ऑडियंस व्हेन आई वॉच क्रिएटर्स ऑन अ डेली बेसिस, तो वो जो भी अच्छी बातें करते हैं ना दे मोटिवेट मी। लाइक आई वॉज रीडिंग अ कॉमेंट ऑफ दिस वन पर्सन जिसने लिखा कि भाई आप 100 पुशअप करते हो, तो मैं भी अब रोज 100 पुशअप करता हूँ, मेरे से पूरी पुशअप्स नहीं होती बट मैं हाफ पुशअप्स मारता हूँ, 100 मारता हूँ। बट अभी कितनी अच्छी बात है कि मेरे को ये पढ़ के इतनी खुशी हुई कि यार चलो, जैसे मैं भी किसी की वीडियो देख कर ही इंस्पायर हुआ था ये करने के लिए, और अभी मैं वो मोटिवेशन किसी और को दे पा रहा हूँ। तो ये दुनिया ऐसी ही चलती है, अपने पास कोई अच्छा मैसेज है 3 लोगों को पास करो, वो और 3 लोगों को पास करेंगे, ऐसी वो चेन बनती जाएगी पूरी, समझ गए? आज के लिए बहुत ज्ञान बांट लिया। Can I get a small hot cappuccino and a brookie? A brookie? Yeah. What kind of milk for your cappuccino? Regular milk. अंदर इतने शोर है, मैं जोर जोर से बात ही नहीं कर पा रहा, लोग ऐसे घूर के देख रहे थे, बट एनीवेज व्लॉग, अबे यार एम्बुलेंस। तो एनीवेज अब फ्राइडे का व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, अभी मैं अपना यहाँ पे थोड़ा काम निपटाऊंगा और उसके बाद नया व्लॉग जो सैटरडे का है वो स्टार्ट करूंगा। बट मौसम तुम लोगों को दिखाई दिया है, आज मौसम काफ़ी प्लेजेंट है, बारिश नहीं हुई है जो कि अच्छी बात है, फ्लड वगैरह भी ऐसा कुछ मिला नहीं है मेरे को, तो एज सच सबवे में भी बढ़िया ही था अपना मामला। बट अगर तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलता हूँ तुमसे अगले व्लॉग में, कब? कल यार, ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। With you.
I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the